ध्यान देना जरा, बैट शॉट लोग पे गौर करना ना। जैसे अभी जस्ट मैं बोला ना आप लोग को, जो एक छोटा सा स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालते थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालते थे। यहाँ पे बैट शॉट लोग किसकी बात करेगा, याद रखना एक छोटा सा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट नाम में ही है, बहुत छोटा सा करंट का पार्ट होगा ना। करंट एलिमेंट की वजह से क्या देगा वो, मैग्नेटिक फील्ड देगा। करंट एलिमेंट की वजह से क्या देगा वो, मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो एक कोई भी वायर कंसिडर कर रहा हूँ, कोई भी एक वायर कंसिडर कर लिया, बहुत बड़ा लेंथ है, हो सकता है लेंथ बड़ा है ऐसा, मैं मान लेता हूँ ये एक्स और वाई। ये नहीं है कि मैं ये बोल दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा वायर दिखला दिया हूँ, एक वायर का पार्ट दिखला रहा हूँ। ऑब्वियस इधर कुछ सोर्स रहा होगा ना जी, तभी ना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया होगा सेल से। अब इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है तो ये वाला पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल होगा ना, और ये वाला कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, नेगेटिव टर्मिनल होगा ना जी। तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मान लेता हूँ इस पूरे वायर के वजह से बोला कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी पूछ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी पूछ सकता है। तो मैं मान लेता हूँ पूछ दिया कि यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लियर। तो आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, आपसे पूछा गया है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ऑब्वियस एक करंट कैरिंग वायर है, हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ मतलब छोटा सा एलिमेंट, और उस छोटा सा एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, और उस छोटा सा एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देता है वही है बायोट सावर्ट लॉ ना, बायोट और सावर्ट लॉ। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे कंसीडर करा एक छोटा सा, चूंकि दिखाना है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंथ डीएल है, कितना लेंथ का है ये वाला बाबू, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ कितना है डीएल, कितना लेंथ है डीएल, मैं दिखा रहा हूँ तो थोड़ा ऐसे दिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना डीएल। तो अगर मुझे दिखलाना हो कि पूरा वेक्टर एलिमेंट जो हुआ करंट एलिमेंट वेक्टर, तो उसको कैसे दिखला देंगे बाबू, ये क्या हो गया आई डीएल वेक्टर, याद रहेगा, कोई दिक्कत। ऑब्वियस है डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर ही ना, ये वाला जो रहा ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर का ही ना डायरेक्शन है। अब ये वाकई में बहुत छोटा है, क्योंकि बोर्ड में दिखलाना है इसलिए इसका कुछ लेंथ दिखला दे रहे हैं, लेकिन वाकई में वो तो बहुत छोटा है, एलिमेंट बोल ही दिया गया तो छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा, लगभग पॉइंट साइज ही होगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से मान लेते इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट कोई टेस्ट पॉइंट पी है, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया टेस्ट पॉइंट पी, क्लियर। आप देखो एकदम प्योरली एकदम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एकदम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि अगर जो इसके वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मतलब एक्सपेरिमेंट से आया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा गया है और उसके बाद ये रिजल्ट आया, ऐसा कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट से आया कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर, या करंट फ्लोइंग या करंट ऑफ द करंट एलिमेंट। अगर यहां पे करंट बढ़ाएगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर यहाँ करंट घटाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। मतलब इस छोटा सा करंट एलिमेंट के वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करना सिखलाया हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करना सिखलाया हूं मैं, तो छोटा के लिए डी भी लिख देंगे। तो अगर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर पी पे निकाला गया तो पाया गया कि वो बहुत छोटा है, मतलब छोटा कहने का मतलब क्या, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो एक करंट एलिमेंट वेक्टर क्या आइडियल वेक्टर हुआ। तो एक्सपेरिमेंट से प्योरली बोल रहा हूँ, डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड को जो आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज इट, करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, करंट घटाया तो मैग्नेटिक फील्ड घटा। अच्छा अगर ये लेंथ बढ़ाते ना, अगर ये लेंथ बढ़ाते तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, अगर लेंथ को कम करते ना तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, मतलब जो रहा मैग्नेटिक फील्ड रहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी रहा, करंट एलिमेंट का लेंथ अगर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा होगा। तो अगर पूरा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, शायद अगर इन्फॉर्म होता तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता, बात समझ रहे हो। अच्छा पोस्ट मैग्नेटिक फील्ड का और चर्चा किया गया, तो एंगल पे डिपेंड करा, किस एंगल पे डिपेंड करा, तो याद रखना एंगल रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट पी को हमने मिलाया किससे मिलाया, तो करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करा आर, आर क्या रहा याद रखना, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, टेस्ट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट वेक्टर आइडियल, क्लियर है। और इस आर और आइडियल के बीच जो एंगल है थीटा ना, उसके साइन पे डिपेंड करा,
किसके उस पर डिपेंड करा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस आर वेक्टर एंड दिस करंट एलिमेंट वेक्टर, इज इट क्लियर है। और क्या पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम लोग वायर को बढ़ा रहे थे, इधर पीछे कर रहे थे, तो आर बढ़ रहा था, आर बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, आर बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा था, घट रहा था, आर कम कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इज इट, कौन किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट वेक्टर, इज इट। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, मान लेते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर आइडियल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो बना वो डीबी बना। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर है, बार बार बोल रहा हूँ वेक्टर है, तो आपको दोनों चीज पे कंसर्न रहना है। यहाँ पे जब भी वेक्टर आता है तो मैग्नीट्यूड के बारे में भी सोचना है आपको और डायरेक्शन के बारे में भी सोचना है, इस चीज पे गौर करना ही होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप बता सकते हो, पहला बात तो आइडियल क्या है, ये क्या करंट एलिमेंट वेक्टर है, क्या है करंट एलिमेंट वेक्टर, वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसी को हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर बोल देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहा जी, तो करंट इंटू डीएल, आई और डीएल का प्रोडक्ट रहा, वो क्या रहा मैग्नीट्यूड। वैसे वाकई में देखा जाए तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी क्या है, अभी यहां आप तो हटा दे तो लेंथ भी कुछ होगा तो उसका यूनिट होगा, तो भी क्या हो गए स्केलर ही क्वांटिटी न रहा। लेकिन जब डायरेक्शन की बात करा तो डायरेक्शन किसके अलोंग रहा, करंट एलिमेंट वेक्टर का, एलोंग द फ्लो ऑफ करंट, एलोंग द फ्लो ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो कर रहा उधर ही ना डायरेक्शन रहा बाबू, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी बताइए जरा आर क्या है, आर वेक्टर क्या है, तो याद रखिए आर वेक्टर क्या है जी, पोजिशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पोजिशन वेक्टर किसका, पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट पी, ऑफ टेस्ट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू करेंट एलिमेंट वेक्टर, विथ रेस्पेक्ट टू करेंट एलिमेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर बाबू, करेंट एलिमेंट वेक्टर, करेंट एलिमेंट वेक्टर कह चुके हैं। अभी मत सोचना कि सर इतना बड़ा है तो आप जो बोल रहे हैं तो कहीं से ले सकते, अरे करंट एलिमेंट वेक्टर दिखलाया हूं कि इतना बड़ा है, यहाँ पे वो बहुत छोटा होगा, समझ में आ रहा है ना, लगभग पॉइंट साइज है वो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाता यहीं मिटा देता तो आप लोग पता ही नहीं चलता, आप लोग समझ में आ रहा है ना, इसलिए रखा। थीटा किसके बीच का एंगल रहा बाबू, थीटा किसके बीच का एंगल रहा, एंगल बिटवीन, वेरी गुड, करंट एलिमेंट वेक्टर आइडियल एंड व्हाट, पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू क्लियर। अभी आर वेक्टर तो ऑब्वियस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ही ना जी, तो अगर कोई पूछे आर क्या है तो आर क्या रहा, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट इसी का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम करेंट एलिमेंट फ्रॉम, और बोलना और बेसिक से जाए क्या जी बाबू, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत। तो एकदम एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पी पे रहा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। मतलब अगर करंट डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल, करंट अगर ट्रिपल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, अगर करंट को हाफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाफ, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड को यह भी पाया गया कि अगर लेंथ को बढ़ाते, थोड़ा सा अगर लेंथ को बढ़ाते इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता, बढ़ता, अगर लेंथ को घटा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटता। ओ चूंकि बहुत एक्सपेरिमेंट्स है इसलिए इसको मानना है तो लिख सकते, इसको मैं लिख दिया क्या, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, कोई दिक्कत उसमें नहीं, लेकिन आप लोग 12th बोर्ड में है तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, क्लियर है। अच्छा जी मैग्नेटिक फील्ड जब और भी बात करा गया तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल रहा, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस आर वेक्टर एंड दिस आईडीएल वेक्टर, साइन ऑफ दैट एंगल, मतलब डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू
करंट एलिमेंट वेक्टर, इज इट? ये क्या रहा थर्ड? अब मैं बोला, रिपीट करा ही कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप करंट कैरिंग एलिमेंट से तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटता है। अगर इसको आर को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। मतलब टेस्ट पॉइंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, वन अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना, समझ में आया ना, आर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अगर मान लेते हैं आर यहाँ पे कुछ था, इसको आर को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा जी, फोर टाइम्स घट जाएगा कि नहीं? आर को डबल कर तो मैग्नेटिक फील्ड फोर टाइम्स घटेगा रे डमरू लोग। अगर आर को थ्री टाइम्स बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नाइन टाइम्स घट जाएगा। अगर आर को हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड फोर टाइम्स बढ़ जाएगा। अरे स्क्वायर टाइम्स ना हो रहा है, कोई दिक्कत है? अगर मैग्नेटिक फील्ड को आर बाई थ्री कर दिया, सॉरी आर को आर बाई थ्री कर दिया, इस डिस्टेंस को, यही ना डिस्टेंस है टेस्ट पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच, अगर उसको आर को हमने आर बाई थ्री कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ जाएगा, नाइन टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर एन टाइम्स आर कर दिया तो कितना बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, कितना टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स। बात समझ रहे? तो यही रहा, एक केवल एक्सपेरिमेंट से आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, किससे आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है ये सारा चीज। अब इसको आप लोग तो कंबाइन करोगे, कंबाइन किया हमने भी, तो देखो कंबाइन करने के बाद क्या आ रहा है, देखो डीबी जो रहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा, आइडियल, देख रहे हो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको याद रखना था। अब जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आकर के बैठेगा। हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक के आया, एक कोई कांस्टेंट है, के टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या, आर स्क्वायर। समझ आया? ये इसलिए लिखा जाता है कि इसको याद रखना, और ये आगे इससे चर्चा मैं शुरू करूंगा अभी ना, तो इसको याद रखना। अब यहाँ पे के का जिक्र आया है, के क्या है बाबू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अभी ऐसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, टेस्ट पॉइंट और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। के समझ में आ रहा है, या बोल सकते हो कि जिस मीडियम में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा, एक ही बात है, क्योंकि यहां निकलना है तो यहां रहा। तो याद रखना के किस पे डिपेंड करा, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द मीडियम, किसके बीच का, द मीडियम इन बिटवीन द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड टेस्ट पॉइंट। याद रहेगा, कोई दिक्कत? हवा रखे हो, पानी रखे हो, क्या रखे हो, उस फैक्टर पर डिपेंड कर। दूसरा, हम लोग इस पर भी डिपेंड करेंगे कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्ट करे हो, तो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में डील करना चाह रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा ना। तो याद रखना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट तो याद रखना कौन सा मीडियम इन विच करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, या फिर बोल सकते हो द मीडियम इन स्पेस बिटवीन टेस्ट पॉइंट एंड करंट एलिमेंट वेक्टर, इज इट? और दूसरा द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेलेक्टेड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सो जस्ट कॉपी इट। अब यहां पे देखो, ध्यान देना जरा, डीबी इक्वल्स टू क्या रहा बाबू, के टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या है, के इंटू व्हाट, आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या रहा, आर स्क्वायर, यही है ना बाबू। अब यहीं से आपको सोचना शुरू करना है, पहला बात तो याद देखना, हियर के इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के क्या है बाबू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच डिपेंड्स ऑन लिख लो, मैं क्या लिखते रहूं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन द स्पेस बिटवीन
इन द स्पेस बिटवीन टेस्ट पॉइंट एंड करंट एलिमेंट वेक्टर विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन द स्पेस बिटवीन द इन द स्पेस बिटवीन द टेस्ट पॉइंट एंड करंट एलिमेंट वेक्टर। और सेकेंड लिखे ना द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड। अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो होता है लैब में होता है, और लैबोरेटरी पानी से थोड़ा ही भरा रहता है, एयर से ही ना भरा हुआ रहता है जी। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग एसआई सिस्टम में चलेंगे, तो किस सिस्टम में बाबू, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम फोरियर एयर फॉरवर्ड एयर क्या हो जाएगा बताइए, के का जो वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, के का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, समझ आ रहा है, क्लियर है, के का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और इसका जो वैल्यू होता है 10^-7, क्या होता है 10^-7। अब अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है याद रखिएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, समझ रहे हो, के का यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, और क्या लेंथ है डीएल मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो एक मीटर एक मीटर ही ना बचेगा, और आई क्या क्या एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर यही ना हो गया यूनिट जी। तो याद रखिएगा के का वैल्यू क्या रहा इन एसआई सिस्टम फोर ईयर या वैक्यूम, जो भी लिखना है वैक्यूम ईयर एक ही चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो के का वैल्यू कितना रहा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसका वैल्यू कितना रहा 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अब डीबी जो आ गया वो किसके बराबर आ गया बताइए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, समझ रहे हो, डीएल छोटा लिख रहा हूं उसे कंफ्यूज मत होना ना, कैपिटल डीएल लिखा था यहां पे भी वही डीएल कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत बोलो कहां से ये डीएल आ गया, इसलिए ये क्या आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या बाबू आर स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन रहा, डीबी इक्वल्स टू व्हाट म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट वेक्टर, not because of the conductor, is it, this is the magnetic field due to current element vector, not because of conductor, छोटा सा जो एलिमेंट कंसिडर करे है ना उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम, चलिए अच्छा बात समझ आ गया इतना, अच्छा जी इसको मिटा सकता हूं ना, should I rub this part, चलो very good, तो db किसके बराबर आया, db किसके बराबर आया बताइए जरा, डीबी किसके बराबर आ गया बाबू, पता चल रहा है डीबी जो आया वो किसके बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं इसको समझिएगा जरा, मैं पहले भी बोला था डीबी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड में भी इंटरेस्ट लेना है और ये डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट लेना है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा डिराइव कर दे एक्सप्रेशन या सेटअप ऐसा फ्रेम करे कि वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। याद करो जब साइन थीटा का जिक्र चलता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जिक्र चलता है कि नहीं, वो क्या होता है ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं, अगर ए क्रॉस बी की अगर बात करा जाए तो ए क्रॉस बी पढ़े हैं आप लोग ना, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है और एन कैप होता है, एन कैप किसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, यहाँ पे भी साइन थीटा का जिक्र चला है, चलो उसी का यूज करते हैं हम लोग, आइडियल वेक्टर क्वांटिटी है ना जी, आइडियल क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या बताइए, अगर हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहें डीबी को, तो डीबी को वेक्टोरियली मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए ऐसे समझा रहा हूँ उसको तरह समझिएगा जरा, म्यू नोट बाई 4 पाई तो लिख दिया है एज इट इज, आइडियल है हमने क्या किया इसको आइडियल को आइडियल आर साइन थीटा लिखा अपॉन आर क्यू लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत है, आर आर कैंसिल तो होगा ना जी, तो कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां दिख रहा है मुझे
कि आइडियल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइडियल भी क्या है, ए जो है ये वेक्टर है, यहाँ पे आइडियल क्या है वेक्टर, और आर भी क्या है वेक्टर है, और साइन थीटा भी क्या एंगल है, आइडियल और आर के बीच का एंगल। अरे आइडियल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बाबू, और आर भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा किसके बीच का एंगल है, आइडियल और आर के बीच ही तो एंगल है। तो हम लोग डीबी को लिख सकते हैं क्या ऐसे, डीबी को हमने कैसे लिखा, डीबी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिख दिया। अच्छा आइडियल साइन आर साइन थीटा को लिख सकता हूँ आइडियल ऐसे, इससे कंफ्यूज नहीं ना हो गए तुम लोग, ए डी एल और आइडियल ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हर जगह डीएल लिखना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाना। तो क्या रहा, आइडियल लिख दिया, क्या लिखा आइडियल, ए आइडियल क्रॉस क्या लिख दिया हमने आर, हो गया है ना वेक्टर क्वांटिटी बाबू, अपॉन क्या ए आर क्यू, नहीं हो गया क्या बताइए, तो अभी वेक्टर हो गया ना, इधर भी वेक्टर का डायरेक्शन अब तो पता चल गया ना कि डीबी किधर होगा, पता चला क्या डीबी का डायरेक्शन किधर होगा बताइए, यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कांसेप्ट इन डिटेल, गॉट इट, आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन यहाँ पे बता सकते हैं आप, देखो आइडियल इधर है और आर इधर है, याद करो दो तरीका बताया था कि अगर एक प्लेन में रहे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, किधर से किधर चला, आइडियल से आर की तरफ चले हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो अंदर या बाहर, तो इसका डायरेक्शन अंदर हो गया कि नहीं पिक्चर में, मैंने मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, अंदर, ये बताया हो ना क्रॉस कब दिखलाना डॉट कब दिखलाना है, और अगर भूल गए हैं तो इसको याद ही है, याद करो बताया था ना राइट हैंड आइडियल से किधर जाएंगे आर की तरफ, अंदर जाएगा ना डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनवर्ड, क्रॉस का मतलब यही ना होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इनवर्ड, कोई दिक्कत, तो ये वेक्टर एक्सप्रेशन रहा, याद रखना एक वेक्टर इक्वेशन है जी, वेक्टर वेक्टर एक्सप्रेशन है, याद रखना इसको, याद रखना ये किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट एलिमेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करेंट एलिमेंट वेक्टर, याद रखिएगा ना, कॉपी कीजिए इसको। डीबी किसके बराबर रहा बाबू, म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहां तुम लोग ये मत बोल देना कि सर क्यू के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहा, वो तो कैसे आया पता चला है ना, तो ऑब्वियस है ये वेक्टर एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है, वेक्टर एक्सप्रेशन है, तो वेक्टर एक्सप्रेशन अगर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड पे भी गौर करना है और डायरेक्शन में भी गौर करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही आप लोगों को, मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू बताइए जरा, मैग्नीट्यूड डीबी की वजह से जो मैग्नीट्यूड हुआ म्यू नोट बाई 4 पाई, याद रखना किसके लिए, इन एसआई सिस्टम फॉर वैक्यूम और एयर ना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और क्या हो गया बताइए, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब पूछते हैं आप लोग की म्यू नोट क्या है, तो याद रखना हेयर म्यू नोट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी नॉट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है ना किसी मटेरियल का, वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है ना, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले आप लोग कितना हो गया बाबू, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, याद रखना यूनिट बताया था ना टेस्ला मीटर पर एम्पियर, कोई प्रॉब्लम, ये मैग्नीट्यूड की बात हुआ, डीबी किसके बराबर रहा, म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत, अच्छा डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर, कंटेनिंग वेक्टर्स कौन सा बाबू, आइडियल एंड आर, मतलब कभी भी अगर कोई बोले डीबी किसके पर, डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, आइडियल, अरे है ना, एंड डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट आर, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और
आइडियल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं जी? अब इसका डिसीजन लेना तो आपको सिखलाया ही गया है। अगर कोई भी करंट एलिमेंट वेक्टर है ऐसे, तो देख रहे हो यहाँ पे निकालना है, ऐसे रहा टेस्ट पॉइंट, इधर है, इधर आर वेक्टर है और इधर क्या है, आइडियल वेक्टर है। अरे है जी बाबू। और अगर कहीं पे भी तो इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अरे कोई दिक्कत? अगर कोई बोल देगा यहाँ पे बताइए, तो क्या करोगे? आर वेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा? आर वेक्टर यहीं से ना गया जी, देखो ऐसे गया कि नहीं? आर वेक्टर यही ना आर वेक्टर है, बताओ। करंट एलिमेंट से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो यहाँ बोर्ड में रहा। और भी तरीका आप लोग को बताए हैं, आइडियल क्रॉस आर डायरेक्शन किधर होगा? आइडियल क्रॉस आर मतलब आइडियल क्रॉस आर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डीबी, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डीबी। याद रखना आइडियल क्रॉस आर, इसके लिए याद ही है, तुम लोगों को पढ़ाया हो ना जी। हैव आई टोल्ड यू द कांसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और नॉट? है भाई। तो आइडियल फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, आइडियल से आर की तरफ चलेंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल जो भी बोलते हो आप लोग, है ना? राइट हैंड जी, उसी का यूज करके चलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर बोलता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो निकाल सकते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू वायर, जस्ट यूज द अप्रोप्रिएट लिमिट एंड इंटीग्रेट इट। बी किसके बराबर हो जाएगा? डी बी का इंटीग्रेशन लोगे ना बाबू, तो म्यू नोट बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? आइडियल क्रॉस आर, ठीक है? आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, इंटीग्रेट करो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर। व्हाइल लिबरेटिंग इट जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ लिमिट्स, इज इट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर, ठीक है? तो इतना समझ आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है? तो बायोट सॉर्ट लो, समझ आया आप लोगों को? आज टाइम ही नहीं है, नहीं तो और इलस्ट्रेशंस लेते, इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते और भी बहुत अच्छा अच्छा बात करते, लेकिन अब टाइम है नहीं ना, तो अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक पढ़ करके ही अच्छे से आओ। एक होमवर्क लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, होमवर्क है, जस्ट यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट विल बी इन टर्म्स ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट, इज इट? सो जस्ट गो विथ इट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द रिजल्ट। Can I stop right now?